तो गाइस अगर आपके पास भी यहाँ पे उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मोदी सरकार की तरफ से आपको होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक प्रोसेस भी है कि आपको अगर मुफ्त में सिलेंडर चाहिए तो यहाँ पे आपको पहले केवाईसी करवानी होगी अपनी एलपीजी कनेक्शन की, ठीक है। तो केवाईसी करवाने के लिए आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना होता है जहाँ पे आपका सिलेंडर का वितरक होता है, ठीक है, जो आपकी एजेंसी पड़ती है वहाँ जाना होता है, उस लाभार्थी को लेकर के जाना होता है जिसके नाम पे कनेक्शन है, ठीक है। तो उनको लेकर के जाएंगे, वहाँ पे फेस स्कैन वगैरह होगा, फिंगरप्रिंट लगेगी, तब जाके आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। तो इसमें काफी ज्यादा प्रोसेस लग जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी केवाईसी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, आप घर बैठे, ठीक है, एकदम ऑफिशियल तरीके से अपने स्मार्टफोन से केवाईसी करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, घर बैठे अपने फोन से। और गाइस मान लीजिए आपने यहाँ पे केवाईसी वगैरह करवा ली, आपको ये चेक करना है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है, तब भी आप घर बैठे अपने फोन से चेक कर सकते हैं। या आपकी केवाईसी पहले से है, आपको ये पता करना है केवाईसी मेरी है एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो ना आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है और आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं। आपको यहाँ पे एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे यहाँ पे एकदम ऑफिशियल तरीके से अपने यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन केवाईसी कर सकते हैं और फ्री सिलेंडर का यहाँ पे मजा ले सकते हैं। तो भाई ये वीडियो आपके काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एक भी स्किप किए बिना देखना। गाइस अगर आप वीडियो को एक भी स्किप कर देंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन रहेगी, आपको इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है अब आपको इसे यहां पे ओपन करना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं मोबाइल की डिस्प्ले की ओर। तो गाइस जैसे आप इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन को यहां पे ओपन करेंगे, अब गाइस यहां पे लोकेशन का मानेगा टर्न ऑन जीपीएस, तो आपको यहां पे अपनी लोकेशन को ऑन कर देना है, ठीक है, ऐसे ऑन कर देंगे। अब गाइस आपके सामने ऐप से कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो यहां पे आपको रजिस्टर करना होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आपको सिंपल से यहां पे थ्री लाइन पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन की बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे सो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपको एक चीज यहां पे गाइस बताना चाहेंगे, आपको यहां पे उसी नंबर से लॉगिन करना है। तो गाइस आप यहां पे उसी नंबर से यहां पे रजिस्टर करेंगे जिससे आप जो नंबर आपका गैस एजेंसी पे लगा हो, जब आपने अपना यहां पे एलपीजी कनेक्शन लिया होगा तो जो आपने जो नंबर दिया होगा उसी नंबर से यहां पे लॉगिन करेंगे। मान लीजिए अब आपके एजेंसी में आपका नंबर लगा ही नहीं है, आपके एलपीजी कनेक्शन में आपका नंबर लगा नहीं है, तो आप किसी भी नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी अगर नंबर जो लगा हुआ है तो उसी से करिए, उसकी आपकी प्रोफाइल यहां पे एलपीजी कनेक्शन की प्रोफाइल जल्दी ही फाइंड कर ली जाएगी, ठीक है। तो आपको करना यहां पे रजिस्टर की बटन पे क्लिक करना है और उसी नंबर से यहां पे अकाउंट बनाना है जो आपके एलपीजी कनेक्शन पे फोन नंबर लगाया था। फोन नंबर डाल देंगे यहां पे, ईमेल आईडी डाल देंगे, फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, आई एग्री विद पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे रजिस्टर्ड कर लेता हूं। तो गाइस जैसे आप रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, आपको ओटीपी यहां पे डालनी, फिर इंटर न्यू पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालें, फिर कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका 6 अंकों का होना चाहिए जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल होना चाहिए और अल्फाबेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब आपको पासवर्ड बनाना होगा 6 अंकों का, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके की बटन पे क्लिक करेंगे सो आपका यहां पे अकाउंट बन जाएगा, आपको फिर से यहां पे लॉगिन करना होगा। तो गाइस आपने जो अकाउंट में अपना फोन नंबर और पासवर्ड डाल के अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे अपना डाल करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने फोन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहाँ पे लॉगिन की बटन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो गाइस जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस उनके लिए जिनका मतलब फोन नंबर आपके गैस एजेंसी पे नहीं लगा हुआ है, आपके एलपीजी अकाउंट पे नहीं लगा हुआ है, तो उनके लिए ये प्रोसेस उनके क्या करना है कि यहाँ लिंक माई एलपीजी आईडी यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो लिंक माई एलपीजी आईडी, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं सो गाइस यहाँ पे आपको अपना इंटर योर 16 डिजिट एलपीजी आईडी को यहाँ पे इंटर करना होता है, ठीक है। जो कि आपकी पासबुक होगी गैस की उसमें आपकी एलपीजी आईडी लिखी होती है, तो आपको यहाँ पे एलपीजी आईडी 16 अंकों की यहाँ पे डालनी होगी। तो जैसे आप एलपीजी आईडी यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपको जैसे मैंने ये डाल दिया है, अब जैसे एलपीजी आईडी डाल देते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे इंटर द एसवी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रोवाइड इधर वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे एसवी नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं या लास्ट कैश मेमो की रिसिप्ट संख्या डाल सकते हैं। तो एसबी नंबर क्या होता है, ये आपके जो पासबुक होगी एलपीजी की उसमें ये एसबी नंबर दिया होता है वो नंबर डाल देंगे, ठीक। एसबी नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उसी लाभार्थी का आधार नंबर डालना है जिसके नाम पे गैस कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे सबमिट की बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एलपीजी आईडी यहां पे फाइंड कर ली जाएगी, प्रोफाइल यहां पे फाइंड कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस उनके लिए जिनका फोन नंबर उनके गैस एजेंसी पे रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका फोन नंबर रजिस्टर्ड है तो उनको यहां पे ये वाला प्रोसेस नहीं करना है। उनको क्या करना है, आप गाइस जिनका यहां पे एलपीजी कनेक्शन में उनका फोन नंबर लगा हुआ है
उसी नंबर से उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो उनको क्या करना है कि वो एलपीजी आईडी वगैरह कुछ नहीं डालना, उनका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एनरोल नाउ ये वाली जो बटन बनी हुई है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल को ऐसे फाइंड कर लिया जाएगा, उसका नेम आ जाएगा जिसके नाम पे गैस कनेक्शन है, उसका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करके ऐसा आ जाता है, आपका सही डिटेल्स अगर आ जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एस इट्स करेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आएगा, कन्फर्म थैंक्स फॉर सबमिट द डिटेल्स एक्स रिवॉर्ड, यू नीड टू री लॉग इन व्यू द अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे री लॉग इन करना होता है, ठीक है, तो आपको फिर से उसी एप्स पे जाना है और लॉग इन करना होगा वही आईडी और पासवर्ड डालकर, ठीक है, फोन नंबर और पासवर्ड डाल के फिर से आपको लॉग इन करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे तो एक्स रिवार्ड का ऐसे ये कार्ड बन जाता है, इसमें आपको कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे आप इंडियन ऑयल से कुछ भी पेट्रोल वगैरह भरवाएंगे तो आपको पॉइंट वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसे क्लेम करके सिलेंडर वगैरह परचेस कर सकते हो या पेट्रोल फिर से भरवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपकी ऐसी प्रोफाइल बन जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो उनकी यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी जिनके नाम पे एलपीजी का कनेक्शन है, ऐसे नाम लिख करके आ जाए, हो सकता है फोटो भी आ जाए, ठीक है, आधार पर जो फोटो लगी होगी वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी यहाँ पे जो आपने केवाईसी करवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप माय प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिलीवरी का स्टेटस दिखाएगा, फिर यहाँ पे इंडियन डिटेल्स, तो आपकी एलपीजी आईडी आपको दिखाई जाएगी, सब्सिडी इलिजिबल आपको दिखाया जाएगा, एस लिखा है तो मतलब आपको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी स्टेटस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे अगर ये टिक नहीं लगा हुआ है तो मतलब आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपको फिर से केवाईसी करनी है, या आपको बताया जा रहा है कि मैसेज आए कि फिर से री केवाईसी करिए, तो आपको केवाईसी करनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको बैक जाना है। ऐसे जैसे आप बैक जाएंगे उसके बाद आपको एलपीजी के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप एलपीजी के ऑप्शन जाएंगे यहाँ पे अप्लाई व्यू कनेक्शन के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे आधार केवाईसी लिखा हुआ, आपको सिंपल से इसमें क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, तो आपको उसमें टिक कर देना है। तो केवाईसी करने का मतलब यही होता है, यहाँ पे देख सकते हैं द पर्पस ऑफ अवेलिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अंडर पहल स्कीम, ठीक है। डीबीटी अगर आप केवाईसी कर लेते हैं तो जो भी आपको स्कीम के जरिए पैसा प्रोवाइड कराया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए, वो आपको आधार बेस्ड ही पेमेंट होता है, तो केवाईसी करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो फ्री सिलेंडर का पैसा है वो डीबीटी के जरिए ही पैसा आता है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे फेस स्कैन का आ रहा है, आपको इसमें क्लिक करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे उससे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप्स को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है आधार फेस आरडी। आपको गाइस इस ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, ये ऐप्स मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है, मैंने कर लिया था, ठीक है। ये आधार का ऐप्स है जो कि बायोमेट्रिक ऐप्स होता है जिससे कि केवाईसी वगैरह की जाती है। ये ऐप्स जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके फोन में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि आपका फोन ऑथेंटिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब आपके फोन में एक सिस्टम जनरेट कर दिया जाएगा जिससे कि आपकी आंखें वगैरह स्कैन हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेना, जैसे ये ऐप्स इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने वाला आपके डिवाइस से गायब हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे ये ऐप्स इंस्टॉल हो जाता है आपको फिर उसी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे फेस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे सो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कैप्चरिंग फेस, अब आपको उसी वेनी फेसरी को यहाँ पे खड़ा कर लेना है, उसके फेस को मतलब उसको एक ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रकाश आ रहा है, उसकी आंखें मतलब दिख रही हो, ठीक है। आंखें स्कैन होती जो रेटिना होता है वही स्कैन होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है नो फेस डिटेक्टेड, तो कोई भी फेस नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे अंधेरे पे हूँ तो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा कि आपको ऐसे खड़ा होना है, ऐसे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कैप्चर फेल्ड बता दिया क्योंकि कुछ यहाँ पे था नहीं, तो कैप्चरिंग फेल बता दिया, प्लीज स्कैन फेस अगेन। तो आपको उसी वेनी फेसर को यहाँ पे खड़ा करना है जिसके नाम पे गैस कनेक्शन है, उसका फेस स्कैन करना है। जैसे एक बार स्कैन हो जाता है तो आपको बस सबमिट कर लेना है, आपकी केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको केवाईसी करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी एरर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम है एसएचआर टेक्निकल हिमालय चा, नाम से भी सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खाते में आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी तारीख को आई है, सारी चीज सब्सिडी के बारे में कुछ भी चीज आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि मुझे सब्सिडी के बारे में भी जानना है, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। आप सब्सिडी घर बैठे अपने फोन से चेक कर सकते हैं कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिली है, अकाउंट में किस अकाउंट में जा रही है, किस खाते में जा रही है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस अगर कोई वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, एक बड़ा सा कमेंट कर देना, और गाइस अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट अब तक पहुंचती रहे। सो गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।